हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीलम। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूं आप अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने के साथ साथ मजेदार होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं बनाने जा रही हूं दुर्गा माता जी का फेस, साथ में उसे डेकोरेट भी करूँगी। इस तरह की एक छोटी प्लेट लेंगे। देखो दोस्तों, ये है टेराकोटा क्ले। इसकी लोई बनाकर मैं प्लेट के ऊपर इस तरह से लगा लूंगी। ऊपर से थोड़ा प्रेस करूंगी। टूथपिक की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे तीन पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों ओर उंगली से हल्का सा प्रेस कर लें, जिस पर आई डिफाइन करेंगे। के ऊपर टूथपिक की सहायता से आईब्रो बना लेंगे। मिट्टी की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उससे माथे को उभरा हुआ शेप देंगे। उंगली से दोनों साइड हल्का सा प्रेस कर लें। यहाँ पर क्ले की सहायता से मैं छोटी सी नोज बना लूंगी और उसे चिपका लूंगी। थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसे गालों में लगा लेंगे। बस आप पानी लेके हाथों से फिनिशिंग का काम करें। क्ले टूल की सहायता से नोज को हल्का सा ऊपर की ओर प्रेस करें। उंगली से चिन के चारों ओर हल्का सा प्रेस कर लें। क्ले टूल की सहायता से चिन का बीचों बीच पार्टीशन करें। यहाँ पर लिप्स डिफाइन करेंगे। छोटी सी चार डोरियां बनाएंगे, जिसे लोअर लिप और अपर लिप के दोनों ओर लगा लेंगे। थोड़ा सा क्ले लेके क्ले की हेल्प से गालों में फैलाएं और फिनिशिंग दें। छोटी सी डोरी बना के नाक के निचले हिस्से पर इस तरह से लगा दें। छोटी दो डोरी बनाकर चिन के दोनों हिस्सों पर लगा लें। आंखों को ध्यान में रखते हुए एक डोरी बनाएंगे और जिसे आय का शेप देके उस पर लगा लेंगे। एक मोटी डोरी बनाकर फेस में इस तरह लगा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, फेस को बड़ा बनाने के लिए हम यह ट्रिक अपनाएंगे। इसी ट्रिक से हम माथे को भी बड़ा करेंगे। आपको टेराकोटा मिट्टी ना मिले तो आप किसी भी चिकनी मिट्टी से यह काम कर सकते हैं। मिट्टी से जुड़ने का भी एक अलग अनुभव है। एक्स्ट्रा मिट्टी को यहाँ पर निकाल लेंगे। तो थ्रेड की सहायता से मैं फेस को छोटा और बड़ा आसानी से कर सकती हूँ, कुछ इस तरह से। देखो दोस्तों, मिट्टी से काम करना कितना आसान है। किसी भी चीज को कम और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर डोरी बनाएंगे और जिसे आईब्रो का शेप दे देंगे। थोड़ी मोटी और लंबी डोरी बनाकर सिर के ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। उंगली से इस डोरी को थोड़ा चपटा कर लें। मोटी डोरी बनाएंगे, जिसे सिर पर इस प्रकार से लगा लेंगे। अच्छी फिनिशिंग के लिए ब्रश में पानी लगाकर हल्के हाथों से ब्रश करें। दोस्तों, दुर्गा माता जी का फेस बनके रेडी है। अब है इसमें कलर करने की बारी। थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा रेड और ज्यादा मात्रा में व्हाइट कलर लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे एक अच्छा सा स्किन टोन कलर बन जाएगा। हर एक कलर के सूखने के बाद उसका दूसरा कोट जरूर करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूं और मुझे भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। यह है कैमल का मेटलिक ग्रीन कलर। इसके बदले आप कोई दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर लगाऊंगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। होठों का शेप अगर खराब भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके चारों ओर फेस टोन कलर लगाएंगे। कलर के सूखने के बाद उसे अच्छी तरह डिफाइन कर लेंगे।
दोस्तों आंखों के चारों ओर जो पीला रंग लगाया है उसके ऊपर ब्लैक कलर जरूर करना है। ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाएंगे। एक बकरम का टुकड़ा लेंगे जिस पर गोल्डन कलर करेंगे। फेस के अनुसार उस पर मार्क करें। ग्लू की हेल्प से एक एक करके मिरर और कुंदन चिपकाते जाएं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैंने पहले और लास्ट में छोटे साइज के मिरर और सभी जगह बड़े मिरर लगाए हैं। दोस्तों दुर्गा माता का फेस बन जाने के बाद आप इसे लोटे से बांधकर आप अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों ये है कैरी बूटी, इसे घर में कैसे बनाना है मैंने इस वीडियो में बताया है। तरह की दो दो कैरी बूटी बनानी है। शेप के अनुसार मुकुट को कट करेंगे। देखो दोस्तों मुकुट बनके रेडी है, लेकिन यह इसको बैलेंस में लाने के लिए 6 वायर लगाएंगे और बकरम से ढक देंगे। इसी तरह से हर एक कैरी बूटी के पीछे वायर लगाएंगे। इसका पार्ट को कट कर लेंगे। दोस्तों ये है आईलेस, से कट करके आंखों में लगाएंगे। साइज के कट मिरर लेंगे, इस पर कुंदन चिपकाएंगे। इस तरह की एक एक बूटी भी बनानी है। ये है रक्षा धागा जिसे एम सिल की सहायता से चिपका लेंगे। कुट को बैलेंस में लाने के लिए की ओर एम सिल की एक डोरी लगाएंगे। कुट का बैलेंस बन गया है। देखो दोस्तों माता जी का फेस बन के रेडी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमेंट्स जरूर करें कि आपको यह कैसा लगा।